तो आज हम मिल चुके हैं हमारे नए वीडियो के साथ। मेरा नाम है माई लुवानी और आज हम देखने वाले हैं मोटी मलाई कैसे निकालते हैं। एकदम जाड़ी परत वाली मोटी मलाई कैसे निकालनी है, तो ये लिया है मैंने अमूल गोल्ड जो फुल फैट मिल्क है। आपको ज़्यादा मलाई निकालनी है तो आपको फुल फैट मिल्क ही लेना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल वाला मिल्क भी यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मलाई निकालनी है तो ये फुल फैट मिल्क यूज़ करना पड़ेगा जो है अमूल गोल्ड का। तो चलिए इसे उबाल लेते हैं। ये मैंने कर दिया स्विच ऑन, इसमें दूध डाल दूँगी। ये मैंने पूरा मिल्क डाल दिया है। अब हम इसे करेंगे स्टार्ट। ये मैंने स्टार्ट किया, इसे अभी हमें उबालना है। देखो हमारा दूध सब उबलने ही वाला है। इसे आपको गैस बंद नहीं करना है पूरा उबलने के बाद। ये जैसे ऊपर आएगा हमें बंद नहीं करना है, हमें स्लो कर देना ताकि ये नीचे ही रहे, ऊपर ना हो। ऐसे ही चलाते रहना है। ये मेरा ग्लास अभी भी स्लो पे ही है, 2 मिनट इसको उबलते रहने देना है। दो मिनट इसको स्लो पे उबाल के रहने देंगे। देखो उबाल आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। अब हम इसे करेंगे फाइनली बंद। ये कर दिया मैंने ऑफ। अब आपको इसे ठंडा होने के लिए यहीं रहने देना है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसे हिलाना नहीं है यहाँ से। ये इसको ऐसे ही रहने देना है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा जैसे ही ठंडा हो जाए फिर हमें इसे रखना है फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए। आप ओवरनाइट रखना चाहो, जैसे भी रखना चाहो, आपके हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। अभी निकालते हैं मलाई। ये मैंने निकाला है अभी फ्रिज से, जो कि मैंने 5-6 घंटे निकाला था। पहले मैं स्पून से साइड्स निकाल देती हूँ। अरे वाह, इतनी मोटी मलाई, पूरी रोटी जैसी मोटी मोटी मलाई निकली है हमारी। और ये कितनी मोटी मलाई है, मेरा तो दिल ही आ गया इस पे। दिख रही है कितनी मोटी मलाई है। सो मैं अभी इसे, इस मलाई से आप आइसक्रीम बनाओ, घी बनाओ, बहुत कुछ बन सकता है। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। देख लो हमारी मलाई कहीं नहीं, कहीं से नहीं टूट रही है, बिल्कुल एकदम फुलके की तरह मोटी मोटी है। कितनी जाड़ी है देख लेते हैं, देखो कितनी जाड़ी है, स्पून से तोड़ने के बाद भी नहीं टूट रही, इतनी मोटी मलाई।